जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अयोध्या से चलकर दरभंगा तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस ट्रेन का कहां कहां पे स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दी है और कहां कितने देर की स्टॉपेज इस ट्रेन को मिली हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, साथ ही इनॉग्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन का इनॉग्रेशन किस दिन को और कितने बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 30 दिसंबर के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ 2 अमृत भारत और 6 चेयर कार वाली वंदे भारत को इनॉग्रेट करने वाले हैं, जो कि चेयर कार वाली कई रूटों पर एक साथ इनॉग्रेट होगी, जो कि कई रूटों पर चलने वाली है। साथ में 2 अमृत भारत की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अमृत भारत लॉन्चिंग भारतीय रेलवे बेंगलोर और मालदा के बीच करने वाली है, जिसका इनॉग्रेशन आपको 30 दिसंबर के दिन देखने को मिलने वाला है। साथ ही दूसरी जो अमृत भारत है वो अयोध्या से दरभंगा के बीच भारतीय रेलवे इनॉग्रेशन करने वाली है। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। दरभंगा से दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे चलाने वाली है। फिलहाल अयोध्या से दरभंगा के बीच कहां कहां पर इस ट्रेन का स्टॉपेज और कितने देर का स्टॉपेज होने वाली है और किस रूट से ये होकर ट्रेन जाने वाली है, चलिए जानते हैं। दोस्तों पहले अयोध्या से ट्रेन खुलेगी तो उसका पहला स्टॉपेज होगा मनकापुर। यहाँ पर इस ट्रेन का अमृत भारत का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दी है और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट भारतीय रेलवे ने दी हुई है। दूसरा स्टॉपेज आपका हो जाता है बस्ती। यहाँ पर इस अमृत भारत का स्टॉपेज 3 मिनट का होगा। तीसरा हॉल्ट है खलीलाबाद। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट भारतीय रेलवे ने दी है। चौथा हॉल्ट हो जाता है गोरखपुर जंक्शन और यहाँ इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। पांचवा हॉल्ट इसका कप्तानगंज है। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। उसके बाद से छठा हॉल्ट बगहा है। बगहा इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट भारतीय रेलवे ने दी है। सातवें हॉल्ट की अगर बात करें तो नरकटियागंज इसका 7वां हॉल्ट है और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि एक जंक्शन है और यहाँ पर थोड़ा ट्रेन ज्यादा देर तक रुकती है, इसीलिए यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट भारतीय रेलवे ने दी। आठवें हॉल्ट की बात करें तो रक्सौल है। रक्सौल इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट भारतीय रेलवे ने दी है। नौवे हॉल्ट की अगर बात करें तो नौवा हॉल्ट बैरगनिया स्टेशन पर है। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट भारतीय रेलवे ने दी है। दसवा हॉल्ट जो है वो है सीतामढ़ी। यहाँ पर 5 मिनट का इस ट्रेन का हॉल्ट दिया गया है। 11वें अगर हॉल्ट की बात करें तो जनकपुर रोड इस ट्रेन का हॉल्ट दिया गया है, जो कि सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर इस ट्रेन को दिया गया है। और 12वें हॉल्ट की अगर हम बात करें कामतौल रेलवे स्टेशन, यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट भारतीय रेलवे ने दी है। 30 दिसंबर को इस ट्रेन का इनॉग्रेशन होने वाला है और इसी रूट से होकर ये ट्रेन जाने वाली है। और जो मैंने हॉल्टिंग बताया है, ये लमसम कन्फर्म हॉल्टिंग मैंने आपको बताया है कि इसी स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दी है। और जो मैंने आपको समय बताया है, इतना ही हॉल्ट 2 से लेकर और 5 मिनट का हॉल्टिंग हर स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने दी है। एक गोरखपुर जंक्शन है जहां पर इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्टिंग इंडियन रेलवे ने दी है। दोस्तों ये भारतीय रेलवे 2 अमृत भारत की लॉन्चिंग अभी कर रही है, जो कि ट्रायल के रूप में भारतीय रेलवे इसको चलाने वाली है। लेकिन आने वाले समय में 1-2 नहीं बल्कि हर रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है, जो कि पुशपुल तरीके से जो फायदे भारतीय रेलवे को दिख रही है उसमें भारतीय रेलवे को अच्छी खासी फायदा दिख रहा है। साथ ही जो पैसेंजर हैं उनको टाइम की बचत हो रही है और टाइम के साथ साथ लोगों को अत्यधिक सुविधाओं से लैस ये अमृत भारत में सफर करने का मौका भी मिल रहा है। फिलहाल जो मैंने आपको स्टॉपेज बताया है कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन को कहां कहां स्टॉपेज दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस ट्रेन को और कहां कहां स्टॉपेज भारतीय रेलवे को देना चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।